अनुपमा स्टार प्लस का नंबर वन शो है। घर घर में अनुपमा शो आज अपनी खास पहचान बना चुका है। हाल ही में बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर मिथुन दा अनुपमा के सेट पर पहुंचे हैं। मिथुन दा किसी शूटिंग के सिलसिले में नहीं आए हैं, बल्कि यह उनका पर्सनल विजिट है। वह अपनी बहू मदालसा शर्मा से मिलने पहुंचे हैं। बता दें, शो में काव्या का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं। मदालसा ने मिथुन दा के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के साथ 10 जुलाई 2018 को शादी की थी। सेट पर मिथुन दा का यह सरप्राइज देखकर शो की स्टार कास्ट बहुत खुश हो गई। पूरे स्टार कास्ट को मिथुन दा का यह सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सभी ने मिथुन दा के साथ ढेर सारी गपशप की और फोटोज क्लिक किए और उन्हें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ भी शेयर किया। आपको बता दें, शो की अनुपमा यानी रूपाली गांगुली का मिथुन दा से पुराना कनेक्शन है। रूपाली 90 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर चुकी हैं। दोनों साथ में फिल्म अंगारा में एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। फिल्म साल 1996 में रिलीज हुई थी। फिल्म को रूपाली गांगुली के पिता अनिल गांगुली ने ही डायरेक्ट किया था। रूपाली के पिता बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर रहे हैं। अब सालों बाद रूपाली गांगुली मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा के साथ काम कर रही हैं। मदालसा शो में रूपाली की सौतन बनी नजर आ रही हैं। दोनों के बीच की लड़ाई फैंस खूब पसंद करते हैं और यही शो की USP भी है। भले ही शो में मदालसा नेगेटिव रोल में है, लेकिन उनका नटखट अंदाज फैंस का दिल जीतता है। वेल, आपको शो अनुपमा कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।